हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को माय सेकेंड वीडियो में। वो सारे बालवीर फैंस के मन में अभी तक एक बहुत ही बड़ा डाउट चल रहा है कि क्या बालवीर 4 का स्टोरी बालवीर रिटर्न्स से कनेक्टेड होने वाला है, क्योंकि बालवीर रिटर्न्स में जैसा सिचुएशन था उसी तरह का बालवीर 4 में दिखाया जा रहा है। तो क्या स्टोरी कनेक्टेड हो सकता है? तो चलिए आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। तो अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा। जैसा कि आपने बालवीर के लिंक प्रोमो में देखा कि क्रम की एंट्री हो चुकी है और क्रम जो है वो दुनिया के सारे बालवीर को मार दिया है। ब्रह्मांड को सारे बालवीर मार चुका है, सिर्फ पृथ्वी लोग का बालवीर बचा है। अब फाइनली क्रम पृथ्वी लोग आने वाला है बालवीर को मारने के लिए। और उसको बालवीर रिटर्न्स में इसी तरह की स्टोरी थी, आलिया खान ने बालवीर के सभी हमशक्लों को मार रहा था। बालवीर के जितने भी हमशक्ल सारे पूरे ब्रह्मांड में वह मार दिया था। फाइनली वह पृथ्वी लोग वाले यानी कि हैप्पी पांडे के रूप में जब बालवीर थे तो मारने के लिए आ रहा था। इसके बाद बालवीर रिटर्न्स को एंड कर दिया गया था। बालवीर रिटर्न्स के बाद वही सेम स्टोरी बालवीर 4 में देखने को मिल रहा है, क्योंकि परम का सभी यही मकसद है और काल का भी यही मकसद है। तो क्या ऐसे यह स्टोरी कनेक्टेड है? तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि यह स्टोरी कनेक्टेड तो नहीं है, वह पुराना वाला स्टोरी है। उसी तरह एक नए रूप में दिखाया जा रहा है। उसमें काल था, काल बालवीर के हमशक्ल को मार रहा था, दुनिया के सारे बालवीर को मार दिया था। और परम का भी यही मकसद है कि दुनिया के सारे बालवीर को मार दूं मैं। तो स्टोरी तो कनेक्टेड नहीं है, तो उसमें स्टोरी को अधूरी छोड़ दिया था। उसी तरह स्टोरी को पूरा दिखाया जा रहा है, नए रूप में नए अंदाज में दिखाया जा रहा है। बाकी बात आपको स्टोरी में बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो सोनी लीव ऐप पर बालवीर 4 को देखते रहिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद। तब तक